फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक सीखेंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आप लोगों ने जो मेरे मल्टीप्लिकेशन के वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि 98 से 97 को मल्टीप्लाई करना हुआ होगा, तो इसके लिए ट्रिक से 97 100 से कितना कम है? 3 कम है। 98 2 कम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 6, दो डिजिट बनाने के हम 06 लिखेंगे, और 98 में से 3 घटा लेंगे या 97 में से 2 घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9506। चलिए देखते हैं और एक, यहाँ पे 86 और 98 है, ये 100 से कितना कम है? 2 कम है। ये 100 से 14 कम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बैठा दीजिए 28। अब 86 में से 2 घटा लीजिए या 98 में से 14 घटा लीजिए। 86 में 2 घटाने से 8 4 2 8। 97 3 कम है, 78 22 कम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 66। 78 में से 3 घटा लीजिए या 22 में से 97 में से 22 घटा लीजिए 75। 100 से 8 ज़्यादा है, 100 से 5 ज़्यादा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 5 40। 108 में 5 ऐड कर लीजिए या 105 में 8 ऐड कर लीजिए 113, आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं 105, 100 से 5 ज़्यादा है, 100 से 3 ज़्यादा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 15। 105 में 3 ऐड कर लीजिए 108। 100 से 10 ज़्यादा है, 100 से 5 ज़्यादा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 50। 115। अब देखते हैं जो नंबर 100 से कम और एक नंबर 100 से ज़्यादा हो तो कैसे करना है। 100 से 3 ज़्यादा है, 100 से 3 कम हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 3 9। अब 97 में 3 जोड़ लीजिए 100, दो डिजिट बना लेके 09। तो ये तो जो 9 है यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो ये 10,000 से घटेगा, तो घटा लीजिए, तो इसका आंसर होगा 9991। यहाँ पे ये 11 कम है और ये 3 ज़्यादा है, 33। 89 में 3 जोड़िए तो आपका आंसर होगा 9200, लेकिन 9200 में से 33 भी घटेगा, आपका आंसर होगा 9177। 115 में से 15 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 15 8 120, दो डिजिट। 115 में 8 जोड़िए 123, और 1 कैरी था 124, इसमें -7 -13, 37 91। 87 में से 7 गया, 81 91, आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।